रनौत ने किया सुशांत सिंह राजपूत को याद। ऐश्वर्या और धनुष का हुआ डिवोर्स। बॉडी शेमिंग का शिकार हुई कृति सेनन। जूही चावला की बड़ी मुश्किलें। देखिए इस हफ्ते की 10 कंट्रोवर्शियल खबरें। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग केस में पकड़ा गया था। इस मुश्किल दौर में शाहरुख खान ने अपने काम से और सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया था। अब करीब 4 महीने बाद किंग खान ने सोशल मीडिया पर वापसी की है और एक पोस्ट शेयर किया है। बॉलीवुड स्टार विकी कौशल और सारा अली खान की फिल्म लुका छुपी 2 की शूटिंग कॉलेज के स्टूडेंट के लिए परेशानी बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज का है, जहां इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। इन कॉलेज स्टूडेंट ने आरोप लगाया है कि उन्हें परीक्षा देने से रोका जा रहा है, साथ ही शूटिंग की वजह से उन्हें एग्जाम में दिक्कत हो रही है, जहां विकी कौशल और सारा अली खान भी कॉलेज में मौजूद हैं। साउथ सुपरस्टार धनुष और ऐश्वर्या 18 साल की शादी के बाद एक दूसरे से अलग हुए। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक धनुष काम में ज्यादा ही बिजी रहने लगे। वो शूटिंग के लिए अक्सर बाहर ही रहा करते थे और ऐश्वर्या को वक्त नहीं दे पाते थे। इन्हीं चीजों के चलते दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ऐसे में दोनों ने अपने रास्ते अलग करना ही ठीक समझा। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जो तकरीबन 13 साल पुराना है, वो भी उस दौर का जब विकी एक्टिंग स्कूल में अभिनय सीख रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में कृति सेनन का नाम होने के बावजूद एक्ट्रेस को कई बार बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। कृति ने खुलासा किया कि कई लोगों ने उनकी गमी स्माइल और नथुने फूलने वाले एक्सप्रेशन के लिए उनको काफी भला बुरा कहा। एक्ट्रेस ने बताया कि उनको कमर थोड़ी और अंदर करने की सलाह दी गई। हालांकि एक्ट्रेस ने अपनी बॉडी को कभी लोगों के मुताबिक बदलने की जरूरत नहीं समझी। सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे के मौके पर उनकी गर्लफ्रेंड कियारा ने उनके लिए प्यारा सा पोस्ट किया, जिस पर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे डियरेस्ट वन। ये देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि कियारा ने इशारों इशारों में सिद्धार्थ के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर की। वहीं एक्टर ने कियारा को शुक्रिया कहते हुए रिप्लाई किया थैंक्स की। इसी के साथ उन्होंने हार्ट इमोजी भी शेयर किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को आई दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की याद। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि आसमान के चमकते सितारे को जन्मदिन की बधाइयां। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइया का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। ट्रेलर की चर्चा के साथ साथ वर्चुअली हुए ट्रेलर लॉन्च में दीपिका पादुकोण ने पहने कपड़ों की भी खूब चर्चा हुई। बता दें कि ट्रेलर लॉन्च के समय दीपिका ने हॉट एंड बोल्ड ड्रेस पहनी, जिस वजह से उन्हें ट्रोल किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला की बड़ी मुश्किलें। जूही चावला पर लगाए गए 20 लाख रुपए के जुर्माने की वसूली के लिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर 3 फरवरी को सुनवाई होगी। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी महंगी और लग्जरियस कार को छोड़कर साइकिल चलाते हुए घर की तरफ लौटते दिखाई दिए। हालांकि कार्तिक का ये अंदाज कुछ लोगों को अच्छा लगा, तो वही कुछ यूजर्स का मानना है कि कार्तिक ने सलमान खान को कॉपी किया है।